जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, ऑनलाइन दुर्गा हवन माँ दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए, आपके कल्याण के लिए आपके अपने चैनल हिंदू रिचुअल्स पर 3 अक्टूबर 2022 सोमवार की रात्रि में रखा गया है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके निमित्त पाठ हो, हवन हो, तो हमारे जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारे सहयोगी अवश्य आपको पूरा विधि विधान और सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कई भाई बहनों का कहना था, गुरुजी मेरे पास समय का अभाव है, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपके द्वारा उसी प्रकार से जैसे कि रुद्राभिषेक श्रावण महीने में हुआ था, ये माता रानी का हवन और पाठ पूजा संपन्न कराया जाए। तो एक थोड़ा समय निकालने का मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि चलो विधिवत जो है सभी के कल्याण के लिए हम लोग कर पाए। स्वयं करना काफी कठिन होता है, एक प्रकार से जब आयोजन हो जाएगा तो विधिवत रूप ले लेगा, क्योंकि पूरे नवरात्र में अष्टमी तिथि का बहुत 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 ही बड़ा महत्व है। उसमें भी कई भाई बंधु शुरुआती दिनों में जो ट्रेवलिंग में थे, बाहर थे, अथवा हमारी बहनें थी जो अशुद्धा अवस्था में थी, या किसी भी कारण से कलश स्थापन नहीं कर पाए, अखंड ज्योति नहीं जला पाए और माता रानी की सेवा नहीं कर पाए, तो कम से कम एक दिवसीय जो सर्वोत्तम दिवस नवरात्रि का माना जाता है, 3 अक्टूबर को आप स्वयं अपने घर में कर सकते हैं। आचार्यों पुरोहितों को बुला करके स्वयं करना सर्वोत्तम है। यही नहीं, अगर आप आचार्य पुरोहित नहीं बुला पा रहे, स्वयं हवन कैसे करें अगर आपको नहीं पता है, इस लिंक को टच करके आप स्वयं हवन कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके पास समय उतना भी नहीं है अथवा कई भी कारण है, तो आप हमारे द्वारा उस पवित्रतम दिवस के ऊपर पाठ और हवन दोनों संपन्न करा सकते हैं, जिसका प्रसारण करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। हो सकता है जिस मंदिर में हमको जगह मिले वहां नेटवर्क बाय चांस अगर कम मिला तो हम बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार से जैसे कि महाशिवरात्रि की रात्रि में अथवा श्रावण के सोमवार को हम लोगों ने प्रदोष के दिन जो है आयोजन किया था। कैसे किया था कि जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है उनका पूरा, कहाँ के रहने वाले हैं, उन सारे लोगों का नाम लेकर के उनका संकल्प करना, उन सबके कल्याण के लिए माता रानी से प्रार्थना करना और बाद में आहुतियां प्रदान करना। तो किस जिस प्रकार से रुद्राभिषेक हुआ था उसका पूरा लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पा जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे कैसे पहले पूजा संपन्न हुआ, फिर दूसरे वीडियो में अभिषेक प्रभु ने संपन्न कराया था। तो एक प्रयास है, कई भाई बहनों का कहना था गुरुजी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक समय माता रानी हमको भी निकाल के दे रही हैं। तो अष्टमी के रात्रि में आप लोगों के साथ अपने कल्याण के लिए, माता रानी की प्रसन्नता के लिए हम लोग मिलेंगे ऑनलाइन, पूरा प्रयास रहेगा। आगे मैया जाने और हमारे राम जी जाने। तो पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर जुड़ना है तो जितना जल्दी हो सके तो हमारे चैनल का नंबर है 7021616365 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। जय श्री राम।